जय श्री राम दोस्तों। भाई आजकल लोग मोदी को बहुत ज़्यादा कोसने लगे हैं, और मोदी को कोसने का वजह ये है कि पहले तो मोदी विपक्ष में थे, अब मोदी बहुमत में आ चुके हैं। तो मोदी बहुमत में आ चुके हैं और ऐसी स्थिति में बहुमत में आ चुके हैं, ऐसी स्थिति में बहुमत में आए कि जब इन लोगों की पूरी प्लानिंग, पूरा ये लोग अपना पिच तैयार कर चुका था, जो वामपंथी गिरोह के हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, और उनको सपोर्ट देते थे उस समय के सत्तारूढ़ पार्टी जो उस समय सत्ता में था। तो सत्ता पलटी और मोदी जी आ गए। मोदी के आने के पहले मोदी के अगेंस्ट में बहुत सारे इन लोगों ने फेक न्यूज़ चलाए, फेक प्रोपेगेंडा बनाए, लेकिन वो सब कुछ काम नहीं आया। अब मोदी चूँकि आ चुके हैं अब सत्ता में, तो ये लोग जानते भी हैं कि भारत की जनता जो है वो किसी को एक बार ही मौका देती है, और ऐसे लोग अपनी जो पूरी पिच तैयार कर चुके थे उनको केवल अब बैटिंग करना था, क्योंकि टॉस जो था, जो सिस्टम था, वो उनके हाथ में था। हेड भी आना उन्हीं की, टेल भी आना उन्हीं की, मतलब जीत दोनों तरफ से जीत उन्हीं की, जो लोग पहले से पिच तैयार कर चुके थे। अब मोदी आकर इनकी सारी पिच को, पिच पे जितने भी फील्डर्स थे वो सारे फील्डर्स से अपना, जो उन सारे फील्डर्स के बीच में अपना ये झंडा गाड़ दिया। एक अकेला बैट्समैन सारे जो पिच तैयार करने वाले जितने भी फील्डर्स थे ना, जितने भी सजाने वाले थे, जो भारत को बर्बाद करने की मंसूबे से जो लोगों ने पिच तैयार कर रखा था, अकेला मोदी आके उसको ध्वस्त तो नहीं कर पा रहे हैं ये भी, लेकिन उसको होल्ड पे कर दिया है, और ध्वस्त भी कर रहे हैं लेकिन संपूर्ण तरीके से नहीं कर पाए। अब मैं बात कर रहा था क्या, एक बीबीसी हिंदी करके, बीबीसी हिंदी एक न्यूज़ चैनल से, जो कि बीबीसी न्यूज़ वाले को बहुत से लोग जानते हैं, एक वो भी हैं, एक द वायर है, ये लोग जो जो भी हैं इनकी ही पिच तैयार की हुई थी। अब मोदी आए तो इनकी तो बैंड बज गई, लेकिन फिर भी ये लोग मोदी को घेरने के एवज में, मोदी को इनको घेरना चाहिए था, मोदी के हर एक काम को जो गलत उनको नज़र में था उनके ऊपर इन लोगों को कंटेंट बनाना चाहिए था, लोगों में जाके पब्लिक करना चाहिए था, बट ये हर एक चीज़ को ही अब गलत तरीके से लोगों के सामने परोसना शुरू कर दिया। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बता दिखा रहा हूँ इस चैनल की हकीकत। जैसे बीबीसी इंडिया, बीबीसी की सीरीज हिंदू धर्म मेरा मर्म, एक तीसरे भाग में हिंदू धर्म दलित की अपनी जगह बनाने और नहीं बना पाने पर धर्म को छोड़ने का विरोधाभास अनुभव है। देश में चुनाव के इस साल में पहचान एक बड़ा मुद्दा है। धर्म की जातिगत सीढ़ी में सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ आम दलित क्या तेजी से उभरती एक हिंदू पहचान का हिस्सा बन पा रहा है? इनको यहाँ पे भी संदेह है, जबकि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जो भी काम कर रहे हैं उससे सभी लोग, सभी कैटेगरी के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। खैर, अब इसकी प्रोपगंडा दिखा रहा हूँ। ये दलित भाई क्या है, इन्होंने एक नहीं अनेकों वीडियोस बनाए, एक नहीं अनेक वीडियो बना रहे हैं दलित के सपोर्ट में, दलित के समर्थन में। देखिए, जैसे इनके फॉलोवर्स भी है, 2.4 मिलियंस फॉलोवर भी हैं, 44 लोगों को फॉलोइंग किए हैं, ये पोस्ट 25,835 पोस्ट किए हैं। अब इनकी देखिए, ये क्या है, दलित के लिए हिंदू होने के मायने क्या हैं? फर्स्ट, जाति का दम ठोकती इन इंस्टागर्ल्स की क्या कहानी है, सरकारी नौकरी की चाह और इस सपने के टूटने की कहानी, रूसी सेना में क्या कर रहे हैं ये भारतीय युवा, हम पर दबाव था लेकिन हमारे सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दी, जुरेल आए उन्होंने हालात के मुताबिक बल्लेबाजी की। इस सीरीज में कई खिलाड़ियों के पास
अनुभव नहीं था, केएल राहुल के हटने के बाद रोहित ने हमारा हौसला बढ़ाया और हमें बेफिक्र होकर खेलने का भरोसा दिया। खैर, घरेलू जमीन पर भारत की लगातार 17वीं टेस्ट मैच सीरीज लिटिशिया की बालों के जरिए सामाजिक बंधनों पर चोट करने वाली कलाकार बहुत अच्छे, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन इनमें से आपको एक भी नहीं दिखा होगा संदेश खाली, जो कि अभी बंगाल में दुर्दांत अपराधियों द्वारा वहाँ के दलित महिला, चाहे जो भी महिला है, हिंदू समाज से जो भी महिला बिलोंग करती हैं, दलित हैं या अति पिछड़ा हैं, जो भी महिला हैं जिनका शोषण किया गया, जिनका बलात्कार किया गया है, जिनके पास में सारे एविडेंसेस हैं, लोग खुले आम आके न्यूज़ चैनल्स पे, मीडियाज़ के सामने, छोटे छोटे यूट्यूबर्स के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने आके अपनी आपबीती बता रही हैं, फिर भी इस गद्दार न्यूज़ चैनल को, बीबीसी वालों को अभी तक इनके कानों तक वो चीखें नहीं आई हैं जिसमें कि महिला जो थी जिनको बलात्कार किया गया है, जो लोग वहाँ के पीड़ित थे, इनके पास अभी तक एक भी वीडियोस का बनाने का टाइम नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि इनको घेरना मोदी का था। वहाँ पे कौन है? मोदी तो है नहीं, मोदी के विरोधी है वहाँ पे, तो वहाँ पे इनको प्रोपोगंडा जो है वो चलेगा नहीं। और वहाँ पे अगर इनका प्रोपोगंडा चलेगा भी, तो जब मोदी की पार्टी के लोग कुछ गलत करें, क्यों ना वो जाके किसी आम के पेड़ से मुत दें, जो नीचे किसी कुत्ते के शरीर पे जाके वो मुत गिरे, फिर ये न्यूज़ जो है ये बहुत अलग तरीके से न्यूज़ को चलाएंगे, अलग अलग कंटेंट राइटर, बड़े बड़े कंटेंट राइटर, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, पेपर प्रिंट मीडिया, पेपर मीडिया, जो भी है मीडिया, सारे उसको कवर करेगा, मोदी कार्यकर्ता ने आम के पेड़ पर चढ़ के मूता कुत्ते का भीगा सर, मोदी के सपोर्टर ने, मोदी के कार्यकर्ताओं ने आम के पेड़ से मूते, मूतने के बाद कुत्ते के शरीर पे आया हुआ मूत, जिसके कारण कुत्ते ठंड में कांप रहे हैं, उनको कोई जैकेट देने वाला नहीं है, उनको कोई कोट देने वाला नहीं है, उनके बारे में कोई नहीं कुछ सोच रहा है, तमाम बड़े बड़े चैनल्स के पत्रकार, तमाम बड़े बड़े पत्रकार जो हैं, जो वामपंथी, जो देश विरोधी ताकतों के साथ में जिनकी समन्वय हो रखी है, वे लोग बहुत लंबी 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 लच्छेदार भाषणों से अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों तक वो बात को पहुंचाएंगे और मोदी को बदनाम करेंगे। लेकिन जहां पे मोदी के विपक्ष के सत्ता है, जहां पे मोदी विरोधी सत्ता है, वहाँ पे कुछ भी हो, इन लोगों के कान में एक जूं तक नहीं रेंगेगा, इनके कानों तक एक आवाज़ नहीं सुनाई देगी ताकि ये कुछ उन पे बोल सकें। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनकी जो पीछे की दरवाज़ा से जो पैकेट भर भर के रुपया आता है ना भाई, वो बंद हो जाएगा। तो भारत के युवा जो भी हैं, सनातनी युवा जो भारत का भविष्य को समझते हैं, वे लोग कृपया इन चीज़ों पे ध्यान दें और ऐसे ऐसे चैनल्स को अनफॉलो करें और इनका बायकॉट करें, यही एक रास्ता है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।